कैसे हो भाई लोग, क्या हाल है? आई होप आप सब मज़े में होंगे। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइजन 7 5800X 3D, ये जो CPU लॉन्च हुआ है ना, उसके रिगार्डिंग। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा था। बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर CPU को ख़रीदना चाहते हैं और इस पर सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर बताइए CPU कैसा रहेगा। तो देखो मेरे भाई, आज से 3 महीने हो गए मैंने एक वीडियो बनाया था, जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था ना, जब ये अनाउंस हुआ था कि ऐसा एक CPU लॉन्च होने वाला है और 7 CPU से टोटल, उसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था वो यही CPU था, राइजन 7 5800X 3D, जो कि 3 गुना ज़्यादा कैश मेमोरी के साथ रिलीज़ होने वाला था। और वो रिलीज़ हुआ भी और उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मतलब जो सिंपल राइजन 7 है 5800X, उसके कंपेरेटिवली उसका परफॉर्मेंस बड़ा है। और जहाँ तक गेमिंग परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट है। लेकिन इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। आपने और भी बहुत सारे ऐसे US के वीडियोस देखे होंगे या किसी और कंट्रीज़ के जो यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियोस देखे होंगे, जिनमें वो इस CPU की तारीफ़ कर रहे हैं, जो कि सच बात है, CPU जनरली बहुत अच्छा है। और वहाँ पर वो उसको लेने के लिए रेकमेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कंट्रीज़ में वो शायद वैल्यू फॉर मनी प्राइस में अवेलेबल हो रहा होगा। लेकिन मैं अगर इंडिया की बात करूँ, और मैंने ये अक्सर देखा है कि जब भी ऐसा कोई स्पेशल एडिशन CPU लॉन्च होता है ना, इंटेल AMD दोनों की बात है, तो वो इंडिया में बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, तो वो फिर वर्थ नहीं रहता लेना, ठीक है। तो अभी कल ही मैंने कम्युनिटी टैब पे आपके ओपिनियंस जानने के लिए ये पोस्ट डाला था, पोल डाला था कि आप कौन सा CPU परचेस करोगे। तो जो अभी ये है राइजन 7 5800X 3D, जो कि 44-45 में मिलता है, और उसके अगेंस्ट जो राइजन 7 जो सिंपल वाला है 5800X, वो 30-31 में आपको मिल जाएगा। तो 1.5 गुना प्राइस में डिफरेंस है, जबकि परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। परफॉर्मेंस मैक्सिमम में ओवरऑल बात करूँ ना, तो 8-10% का इम्प्रूवमेंट है गेमिंग परफॉर्मेंस में, ठीक है। और जो रेगुलर जो क्रिएटिविटी के जो टास्क होते हैं, प्रोडक्टिविटी के टास्क होते हैं, उसमें तो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस है भी नहीं। तो आप मुझे बताओ, मतलब ये मैं समझाने के लिए वीडियो बनाया है कि इतना ज़्यादा, मतलब इतना परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट लेने के लिए इतना ज़्यादा पैसे देना, 1.5 गुना ज़्यादा पैसे देना सही बात होगी, ठीक है। उसके अगेंस्ट अगर आप AMD में ही बात करें, तो आप जो राइजन सिंपल है, जो 5800X है, वो ले सकते हो, वो बहुत अच्छा CPU है, ठीक है। वही 8 कोर 16 थ्रेड है, 5000 सीरीज़ का CPU है, PCI Express की Gen 4, सब कुछ वही है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलती है 3 गुना कैश मेमोरी, जिसकी वजह से गेमिंग में थोड़ा सा परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट मिलता है, लेकिन 1.5 गुना ज़्यादा प्राइस है। इससे ही कम में अगर यहाँ पे आप 45 खरीदने को तैयार भी हो जाते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि उससे कम में आपको 35-36 में, अगर ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए और ओवरऑल बेटर इंप्रूवमेंट चाहिए, तो 12 कोर 24 थ्रेड वाला 5900X लेना चाहिए, ठीक है। और उसी 45,000 में अगर आप 5,000 ज़्यादा डालते हो, तो आपको डबल कोर काउंट वाला 16 कोर 32 थ्रेड वाला 5950X मिल सकता है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव मैंने आपको उसके बताए। और अगर आप इंटेल में जाना चाहते हो, तो 12700K आपको 40 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो ना, तो आपके लिए 12600K, जो कि अभी आपको 25 में मिल जाता है, वो भी मोर देन इनफ होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 5800X के साथ कम्पीट कर रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छी गेमिंग हो जाती है 12600K से भी, 12700K से भी, और ये जो मैंने दूसरे अल्टरनेटिव बताए। और अगर आप लिमिटेड बजट में हो और कोई CPU परचेस करना चाहते हो, तो बेस्ट ऑप्शन है 5800X, और इंटेल में 12400F के साथ भी जा सकते हो, 12400 जो सिंपल वाला है उसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। और 12600 सिंपल वाला, वो भी बहुत अच्छा अल्टरनेटिव रहेगा। तो ओवरऑल इस वीडियो में मेरा आंसर यही है, जो लोग आपसे, आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि सर मैं ये इसके साथ जाके सिस्टम बनाना चाहता हूँ, तो मेरे भाई CPU तो जेन्युइनली बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट भी है, लेकिन जो प्राइस हमें वहाँ पर ज़्यादा 1.5 गुना पे करनी पड़ रही है ना, उसके हिसाब से सही मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के ओपिनियन जानना चाहूँगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप ये लेना चाहोगे, इतना समझाने के बाद भी लेना चाहोगे तो क्यों लेना चाहोगे, ऐसा मैं उसका पर्टिकुलर रीज़न जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप 1.5 गुना प्राइस वहाँ पर ज़्यादा पे करने को भी तैयार हो। और उसके अल्टरनेटिव में अगर आप ये नहीं लेते हो, तो दूसरा कौन सा आप वहाँ पर सिलेक्ट करोगे CPU, वो भी मुझे बताना, ठीक है। सो आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।